के बाद यह आईसी स्विचिंग करके एलईडी ए वोल्टेज प्रोड्यूस करता है जो अलग अलग डिस्प्ले साइज के हिसाब से अलग अलग वोल्टेज होता है। तो मैं एलईडी आईसी जो है ये स्विचिंग करना स्टार्ट कर देता है और जिससे ये स्विचिंग करके डिस्प्ले के हिसाब से ये वोल्टेज प्रोड्यूस करता है, पता चलेगा कि आपने काम किया है। तो दोस्तों उसी तरह बाकी तीनों को इस तरह से उनका नाम बी सी डी इस तरह से रखा है। तो क्या है दोस्तों, जब सीपीयू यानी कि जब मैं ए बोलूंगा तो ए बोलने के बाद मैं ए के थ्रू एक काम दूंगा, तो ए के थ्रू मेरा काम ये होगा हाथ उठाना या हाथ हिलाना। ये पुल अप रजिस्टर क्या है आइए मैं आपको आसान भाषाओं में समझाता हूँ। तो मान लो कि हमने एक साइकिल लिया है और हम दो आदमी है, एक आदमी साइकिल चला रहा है और एक आदमी उसको ठेल रहा है। तो एक आदमी उसको ठेलते ठेलते जिससे अलग अलग वोल्टेज आउटपुट होती है अलग अलग सेक्शन के लिए, जिसको ब्रिज कहा जाता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपको लोकल मोबाइल इंजीनियर पर। दोस्तों आज के टाइम पे स्मार्टफोन रिपेयर करना आसान है लेकिन बहुत ही आसान नहीं। क्यों? क्योंकि फोन को खोलने से पहले आपको पता होना चाहिए कि ये फोन कैसे ओपन होगी और इसमें क्या खराब हो सकता है या हो गया है, और इस हो सकता या हो गया को डेवलप करना पड़ता है। तो दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक रिपेयरिंग या मोबाइल रिपेयरिंग के फील्ड में अपने दिमाग को स्ट्रॉन्ग करना बहुत जरूरी है। दिमाग की मसल को वर्कआउट करवा के बॉडी बिल्डर बनाना होता है, क्योंकि दोस्तों मोबाइल मदरबोर्ड में बहुत बड़ी एक दुनिया है जिसमें बहुत स्टेट होते हैं और बहुत रेलवे और स्टेशन। अगर बिन जाने रेल में चढ़ेंगे तो कहाँ से कहाँ जाएंगे, जिससे टाइम खराब, पैसा खराब और दिमाग की दही, और वो कैसे आपको पता है। दोस्तों हम जब मोबाइल रिपेयर करते हैं तभी हमें मोबाइल स्कीमेटिक डायग्राम की जरूरत होती है। तो मोबाइल स्कीमेटिक डायग्राम में इन सब वर्ड लिखी हुई रहती है। तो इन सब वर्डों का फुल फॉर्म क्या है, तो कभी कभार हमें ये जानना रहता है। हमारे पास टाइम कम होने की वजह से या हम इन चीजों को ना खोज पाने की वजह से इनको नहीं जान पाते हैं। तो दोस्तों इन जो LDO, ब्रिज, BSP और BSN और इन जो सारे वर्ड्स आपको दिख रहा है, इनका मैं आज फुल फॉर्म और इन पर कितनी वोल्टेज आता है और ये जो वर्ड है ये कहाँ पर यूज होता है, जो मोबाइल मदरबोर्ड में कहाँ पर ये लगता है और इनका काम क्या होता है, तो आज के वीडियो में ये सब आपको अच्छे से एक्सप्लेन करके बताने वाला हूँ। दोस्तों वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को फुल वॉच कीजिए और वीडियो को ध्यान से देखिए। सबसे पहले बात करते हैं LDO की। LDO का फुल फॉर्म होता है लोड ड्रॉप आउट, ये लोड ड्रॉप आउट वोल्टेज भी कहा जा सकता है। दोस्तों देखिए, पहले के जमाने में जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस आती थी उसमें इस तरह की LDO सर्किट यूज होता था। तो देखिए मैं यहाँ पर छोटी सी एक सर्किट बनाया है कि आपको एक्सप्लेन करके समझा सकूं। तो देखिए मैंने वोल्टेज 5 वोल्ट दिया है इनपुट में और एक 1 किलो ओम रेजिस्टर्स के थ्रू ये आउटपुट हो रहा है। तो ये इनपुट 5 वोल्ट हो रहा है और आउटपुट 4.7 वोल्ट हो रहा है। तो दोस्तों ये कैसे हो रहा है आइए देखते हैं। देखिए दोस्तों बीच में एक 4.7 वोल्ट का जनरेटर डायोड लगाया है मैंने। तो ये जनरेटर डायोड फॉरवर्ड बायस होगा और जनरेटर डायोड का सिंबल कुछ इस तरीके का होता है। तो देखिए जनरेटर डायोड क्या होता है कि आपने अगर इनपुट में 12 वोल्ट दिया तो ये जनरेटर डायोड अपने जितना वोल्टेज होता है उस वोल्टेज को आउटपुट में छोड़ के बाकी को ग्राउंड में कर देता है। तो इसीलिए ये 4.7 वोल्ट दे रहा है। तो दोस्तों जनरेटर डायोड 4.7 वोल्ट आता है, 12 वोल्ट भी आता है, 6 वोल्ट भी आता है, 5 वोल्ट भी आता है। तो इस तरह से ये LDO सर्किट है। तो देखिए और कुछ इस तरीके का भी एक LDO सर्किट होता है। तो इसमें वेरिएबल वोल्टेज रेगुलेटर भी कहा जा सकता है, क्योंकि इसका जो एक रजिस्टर वेरिएबल रजिस्टर होता है, पोटेंशियोमीटर भी कहा जा सकता है इसको। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर एक रजिस्टर ग्राउंड किया है और दूसरा एक रजिस्टर इससे ये वोल्टेज इन हो रहा है और इस बीच में से एक वोल्टेज आउट लिया जा रहा है। तो दोस्तों इस दो रजिस्टर के डिपेंड करके ये वोल्टेज आउटपुट लिया जाता है, तो इसको वोल्टेज डिवाइडर भी कहा जा सकता है। और दोस्तों ये जो सर्किट है ये बहुत ही कम छोटी लोड के लिए होती है, जैसे कि छोटी LED को जलाने के लिए या MOSFET को चलाने के लिए, ट्रांजिस्टर को चलाने के लिए, ट्रांजिस्टर की जो बेस है और MOSFET की जो गेट है उसको ये ड्राइव करने के लिए या से ये LDO की इस तरह के सर्किट बनाया जाता है। और दोस्तों आप जो डिवाइस आ रही है और जो स्मार्टफोन आ रहा है तो इसमें इस तरह से जो एक LDO पैकेज होती है, ये इस तरह की पैकेज यूज किया जाता है। तो देखिए इसमें एक MOSFET है और दूसरा एक ड्राइवर है। तो दोस्तों ये एक माइक्रो कंट्रोलर है जिससे ये MOSFET की गेट को कंट्रोल करता है, जिससे ये आउटपुट में वोल्टेज आउटपुट होती है और दो रजिस्टर को लगा के वोल्टेज डिवाइडर बना के इस कंट्रोलर को दिया जाता है। तो दोस्तों इसमें कुछ कंपोनेंट अंदर फिक्स
छुआ रहता है और कुछ इसको बाहर में लगाया जाता है। दोस्तों धीरे धीरे जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसों की डिमांड बढ़ रहा है, उसी को देखते हुए इंजीनियरों ने LDO को और भी अपग्रेड किया है और स्मार्ट बनाया है। स्मार्टफोन में इस तरह की LDO आता है, इसका अंदर पूरा LDO मर्ज किया रहता है। जितनी भी सारी कंपोनेंट होती है LDO के लिए, इस IC की छोटी IC के अंदर सब मर्ज किया हुआ रहता है और मोबाइल सर्किट में कुछ इस तरीके का ये दिखता है। तो अब हम देखते हैं LDO की स्मेटिक डायग्राम। तो ये मेरे पास एक MI 4X का स्मेटिक डायग्राम है। देखिए दोस्तों, यहाँ से ये BPH पावर इन हो रहा है 4 नंबर की पिन में, और यहाँ पर जो 1 नंबर की पिन है यहाँ से आउटपुट हो रहा है। तो आउटपुट में वोल्टेज 2.8 वोल्ट हो रही है, तो ये फिंगरप्रिंट के लिए आउटपुट हो रहा है। तो दोस्तों मोबाइल फोन में ज्यादातर ये LDO IC कैमरा के लिए यूज होता है और फिंगरप्रिंट के लिए यूज होता है और कभी कभार डिस्प्ले के लिए यूज होता है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ से इसको EN सिग्नल दिया जा रहा है। तो एनेबल सिग्नल 2.8 वोल्ट है, और दोस्तों ये जो एनेबल सिग्नल है, ये एनेबल सिग्नल CPU से दिया जाता है और पावर IC से दिया जाता है। तो आइए हम देखते हैं कि इस फिंगरप्रिंट LDO को कहाँ से एनेबल सिग्नल दिया जा रहा है। देखिए दोस्तों, ये LDO EN सिग्नल है 2.8, और ये जो एनेबल सिग्नल दिया जा रहा है ये CPU से दिया जा रहा है। दोस्तों चलिए आप देखते हैं कैमरा के लिए LDO किस तरह के ये सर्किट होती है। तो दोस्तों देखिए, सेम उसी तरह BPH पावर इन हो रहा है, सेम टू सेम सर्किट है, लेकिन इसमें कुछ एक अलग सी चीज दिया है। 2 रजिस्टर लगाया है, एक रजिस्टर तो ये कैमरा की EN सिग्नल जाता है, तो कैमरा में ये ABDD सप्लाई LDO के थ्रू जाता है। तो देखिए दोस्तों, हम देखते हैं कैमरा की ABDD सप्लाई जो EN सिग्नल आता है LDO के लिए, ये पावर IC से आता है या CPU से आता है। पावर IC से आ रहा है, यानी कि PMIC से आ रहा है। तो ये PMIC से ब्रिज वोल्टेज आ रहा है, तो ये ब्रिज वोल्टेज कैमरा LDO के लिए जा रहा है 2.8 वोल्ट। आइए दोस्तों, अब हम नेक्स्ट देखते हैं BRZ का फुल फॉर्म। दोस्तों BRZ का फुल फॉर्म होता है वोल्टेज रेगुलेटर। वोल्टेज रेगुलेटर पावर IC में होती है, और ये अलग अलग सेक्शन की वोल्टेज के हिसाब से ये वोल्टेज रेगुलेटर बनती है। और दोस्तों देखिए, पहले इस तरह से कुछ BRZ IC यूज किया जाता है। तो देखिए, इसमें 1.8 वोल्ट का एक IC है और इसमें अलग अलग वोल्टेज के लिए आउट करता है। तो देखिए, ये जो IC है, ये आज के टाइम पे भी बहुत फेमस IC है। ये कंप्यूटर में यूज किया जाता है, लैपटॉप में भी यूज किया जाता है, और जितने भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है इसमें यूज किया जाता है, क्योंकि ये बहुत छोटी सी वोल्टेज रेगुलेटर है। दोस्तों इसमें एक वोल्टेज रेगुलेटर IC आता है जो एडजस्टेबल है, जिसमें आप 5 वोल्ट से लेकर 1.8 वोल्ट तक आउटपुट ले सकते हो। देखिए, इस IC का कुछ और वेरिएंट है और इसका स्मेटिक डायग्राम है। तो इसका पहला जो पिन है ये ग्राउंड होता है, और दूसरा जो पिन है ये आउटपुट होती है, और तीसरा पिन वोल्टेज इन होता है। और दोस्तों ये फिक्स्ड वोल्टेज रेगुलेटर के लिए स्मेटिक डायग्राम है, और एडजस्टेबल वोल्टेज रेगुलेटर के लिए एक अलग सर्किट होती है। और दोस्तों देखिए, आज के टाइम पे ये IC जो है, वोल्टेज रेगुलेटर IC, ये भी बहुत फेमस है, 7805। ये फिक्स वोल्टेज आउटपुट करता है, 5.0 वोल्ट आउट होता है। पहला इनपुट है, दूसरा ग्राउंड है, और तीसरा आउटपुट है। तो ये भी बहुत फेमस है, जो ब्लूटूथ बॉक्स होती है, म्यूजिक बॉक्स होती है, इसमें भी बहुत इसको यूज किया जाता है, और इसका कुछ और वेरिएंट भी है। तो दोस्तों ये सब बताने की कारण ये है कि इन सब वोल्टेज रेगुलेटर IC मिल के पावर IC बनती है। पावर IC की जो BRZ सेक्शन है ये बनती है, जिससे अलग अलग वोल्टेज आउटपुट होती है अलग अलग सेक्शन के लिए, जिसको BRZ कहा जाता है। चलिए दोस्तों, अब हम देख लेते हैं MI 4X में। देखिए दोस्तों, ये MI 4X में PMIC है, और इसमें BRZ की अलग अलग वोल्टेज के लिए अलग अलग लाइन आउट हो रही है। 1.0, 1.8, 2.8, 3.3, बहुत सारी वोल्टेज आउट हो रही है। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट हम देखते हैं BSP और BSN का फुल फॉर्म। तो दोस्तों BSP और BSN ये ग्राफिक सेक्शन की दो वर्ड है। तो BSP का फुल फॉर्म होता है वोल्टेज सप्लाई पॉजिटिव, और BSN का फुल फॉर्म होती है वोल्टेज सप्लाई नेगेटिव। तो दोस्तों BSP और BSN में BSP जो है +5 वोल्ट है, तो ये +5 वोल्ट से लेकर ये 6 वोल्ट के बीच में होती है, और BSN जो है -5 वोल्ट से लेकर 6 वोल्ट के बीच होती है। तो दोस्तों BSP और BSN को चेक करने की तरीका आपको मैं बता देता हूँ। तो देखिए, BSP को चेक करने का तरीका सेम है जैसे कि हम चेक करते हैं सभी सेक्शन को। एक रेड प्रूफ को ग्राउंड करके ब्लैक प्रूफ से BSP को चेक करते हैं। BSN को चेक करने की तरीका आपको प्रूफ को उल्टा करना होगा। रेड प्रूफ को ग्राउंड करके और ब्लैक प्रूफ से चेक करोगे तो इसमें कुछ रीडिंग शो नहीं करेगा, और अगर ब्लैक प्रूफ को ग्राउंड करके रेड प्रूफ से इसको चेक करोगे तो ये 600 से लेकर 450 के बीच आना चाहिए, जिससे ये अच्छा माना जाएगा। तो दोस्तों मोबाइल में ग्राफिक को बनाने के लिए इस तरह की 15 पिन की छोटी एक IC को यूज किया जाता है, और सैमसंग के मोबाइल में
कुछ इस तरह की एक बड़ी सी आईसीयू होती है। और दोस्तों इस ग्राफिक की वोल्टेज को बनाने के लिए यानी कि बीएसपी और बीएसएन को बनाने के लिए इस तरह की पीएमआई आईसीयू होती है 8940 और पीएमआई 632। इन दोनों आईसी से ये ग्राफिक की बीएसएन और बीएसपी यानी कि -5 वोल्ट और +5 वोल्ट भी आउट होती है। तो चलिए दोस्तों इन आईसीयू की वर्किंग मेथड देख लेते हैं यानी कि ग्राफिक सेक्शन की वर्किंग मेथड देख लेते हैं। तो मैं पहले बता दूं आपको कि मैं एक एग्जांपल के थ्रू एक छोटी सी सर्किट बनाया है कि आपको मैं अच्छे से समझा सकूं। लेकिन मैं इन ग्राफिक और लाइट सेक्शन की एक सेपरेट वीडियो बना के आपको अच्छे से समझाऊंगा डीप नॉलेज के साथ A to Z, ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ आए और आपकी मन में कोई भी डाउट ना रहे, बस आप मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए। तो देखिए 15 पिन की ग्राफिक आईसी का सर्किट ये है। यहाँ पर ग्राफिक आईसी है और ये पीएम आईसी है। तो दोस्तों मोबाइल जब ऑन होता है तब ये पीएमआई आईसी बीपीएच वोल्टेज जनरेट करता है और बीपीएच वोल्टेज पीएम आईसी पर आता है और पीएम आईसी से 1.8 वोल्ट डिस्प्ले के लिए आउट होती है और फिर ग्राफिक आईसी -5 वोल्ट और +5 वोल्ट बनाता है जिससे ग्राफिक आ जाता है और ग्राफिक आने के बाद डिस्प्ले 1.8 वोल्ट आउट करता है। इसको सीएवीसी पीडब्ल्यूएम भी कहा जाता है। तो दोस्तों ये 1.8 वोल्ट डिस्प्ले की बैकलाइट के आईसी के लिए होता है। ये बैकलाइट के आईसी का एनेबल सिग्नल होती है जिससे डिस्प्ले के आईसी ऑन होती है। ऑन होने के बाद डिस्प्ले की बैकलाइट आईसी वोल्टेज प्रोड्यूस करता है और जिससे मोबाइल में ग्राफिक और बैकलाइट दोनों आती है। तो आइए दोस्तों अब हम देख लेते हैं पीएमआई आईसी से कैसे ये वोल्टेज आउटपुट होता है। तो देखिए दोस्तों ये पीएमआई आईसी है और सेम उसी तरह ये बीपीएच पावर प्रोड्यूस करता है और पीएम आईसी पर आती है और पीएम आईसी 1.8 वोल्ट डिस्प्ले के लिए आउट करता है और फिर ये -5 वोल्ट और +5 वोल्ट जनरेट करता है और फिर मोबाइल जब डिस्प्ले में ग्राफिक आ जाता है, ग्राफिक आने के बाद 1.8 वोल्ट डिस्प्ले बैकलाइट आईसी के लिए प्रोड्यूस करता है। तो इस एनेबल सिग्नल को सीएवीसी या पीडब्ल्यूएम कहा जाता है। तो दोस्तों ये पीडब्ल्यूएम सीएवीसी सारे कुछ आपको आगे बताऊंगा, आप वीडियो में बने रहिए और वीडियो को फुल वॉच कीजिए। चलिए दोस्तों नेक्स्ट हम देखते हैं सीएवीसी पीडब्ल्यूएम और ईएन का फुल फॉर्म। तो सीएवीसी कंटेंट एडेप्टिव बैकलाइट कंट्रोल इसका फुल फॉर्म है और पीडब्ल्यूएम का फुल फॉर्म पल्स विथ मॉड्यूलेशन और ईएन का फुल फॉर्म एनेबल होता है। तो मैंने इसको एनेबल सिग्नल लिखा है। दोस्तों एनेबल जो है ये एनेबल सिग्नल के लिए ही यूज किया जाता है, तो इसीलिए मैंने इसको एनेबल सिग्नल लिखा है। PWM और CAVC का सिग्नल कुछ इस तरीके का होता है जिससे ये बैकलाइट को कंट्रोल करता है और ब्राइटनेस को भी कंट्रोल करता है। तो आइए देखते हैं कैसे ये डिस्प्ले की ब्राइटनेस को कंट्रोल करता है। देखिए दोस्तों मैंने यहाँ पर दो आईसी लिया है, एक लाइट आईसी और दूसरा PM660L। तो दोस्तों ये भी लेटेस्ट फोनों में आता है, रियलमी 3 प्रो में ये आईसी होती है जिससे PM IC 660 और PM660L। तो 660L जो आईसी है इससे ग्राफिक वोल्टेज भी जनरेट होती है और लाइट वोल्टेज भी जनरेट होती है और ये चार्जिंग आईसी भी इसको कहा जाता है। दोस्तों देखिए सीएबीसी यानी कि पीडब्ल्यूएम यहाँ पर 1.8 वोल्ट आउट होता है। तो दोस्तों लाइट आईसी की एनेबल यानी कि सीएबीसी पीडब्ल्यूएम में 1.8 वोल्ट इन होता है डिस्प्ले की थ्रू और इन होने के बाद ये आईसी स्विचिंग करके एलईडी ए वोल्टेज प्रोड्यूस करता है जो अलग अलग डिस्प्ले साइज के हिसाब से अलग अलग वोल्टेज होता है। तो मैंने इस पर 22 वोल्ट दिया है। तो दोस्तों जब हम डिस्प्ले की ब्राइटनेस को घटाते हैं तब ये सीएवीसी या पीडब्ल्यूएम की जो 1.8 वोल्ट होता है ये घट जाता है। तो ये घट जाने से ये लाइट आईसी की स्विचिंग घटता है जिससे ये एलईडी यानी कि ये जो आउटपुट देता है ये आउटपुट भी घटता है और जिससे डिस्प्ले की बैकलाइट में ब्राइटनेस कम होती है और जिससे मोबाइल में ब्राइटनेस कम हो जाता है। तो ये इस तरह से काम करता है। तो आइए हम देखते हैं ईएन कैसे काम करता है। तो देखिए दोस्तों ईएन सिग्नल 1.8 वोल्ट हो सकता है, 2.8 वोल्ट हो सकता है। तो मैंने यहाँ पर 1.8 वोल्ट प्लस वोल्ट लिया है। तो दोस्तों ये ईएन सिग्नल पावर आईसी से निकल सकता है, सीपीयू से भी निकल सकता है। तो ये कीपैड फोन में सीपीयू से ही निकलता है। तो दोस्तों आपने देखा होगा कि कीपैड फोन में इस तरह की एक छोटी सी ट्रांजिस्टर लगा हुआ रहता है, ट्रांजिस्टर से एक फ्लैशलाइट कंट्रोल होता है। तो दोस्तों देखिए ये एनपीएन ट्रांजिस्टर है। तो दोस्तों ये यहाँ पर एक मॉस्फेट भी हो सकता है, स्मार्टफोनों में ये मॉस्फेट भी हो सकता है। तो मॉस्फेट होगा एन चैनल का मॉस्फेट होगा। तो दोस्तों मॉस्फेट दो तरीके का होता है, एन चैनल पी चैनल और ट्रांजिस्टर एनपीएन और पीएनपी होता है। तो देखिए दोस्तों एनपीएन ट्रांजिस्टर जो है इसका एक्सर ग्राउंड है, एमिटर इसको कहा जाता है और जहाँ पर ये आउट हो रहा है इसका कलेक्टर होता है
और जहाँ पर यंग सिग्नल आ रहा है इसको बेस कहा जाता है। दोस्तों यंग सिग्नल अक्सर बेस को ही कंट्रोल करता है जिससे फ्लैशलाइट जलती है। तो दोस्तों देखिए इसमें जो आउट हो रही है वो ग्राउंड आउट हो रहा है, तो ग्राउंड आउट होके फ्लैशलाइट के जो ग्राउंड है इस पर जा रहा है और फ्लैशलाइट की पॉजिटिव में बीपीएच पावर इन हो रहा है। तो दोस्तों जब हम मोबाइल में फ्लैशलाइट ऑन करते हैं तभी सीपीयू से एक यंग सिग्नल इस एनपीएन ट्रांजिस्टर पर जाता है और एनपीएन ट्रांजिस्टर ऑन होके ये फ्लैशलाइट को जला देती है और स्मार्टफोन में कुछ इस तरीके का एक छोटी सी आईसी यूज किया जाता है। आइए दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं एलईडी के और एलईडी ए का फुल फॉर्म। तो एलईडी का फुल फॉर्म लाइट इमिटिंग डायोड है और के का फुल फॉर्म कैथोड है। तो सेम उसी तरह ही एलईडी का फुल फॉर्म लाइट इमिटिंग डायोड है और ए का फुल फॉर्म एनोड है। तो दोस्तों आप सोच रहे होंगे कैथोड और एनोड इन दोनों में क्या डिफरेंस है और कैथोड क्या है और एनोड क्या है, ये कौन सा पॉजिटिव है और कौन सा नेगेटिव है। तो दोस्तों ये जो कंफ्यूजन है ये कंफ्यूजन मेरा दिमाग में अक्सर होता है, तो मैंने सोचा है कि आपका दिमाग में भी हो सकता है, तो इसीलिए मैंने यहाँ पर एक एनिमेशन बनाया है जिससे आपको अच्छे से समझ आए। तो दोस्तों देखिए एनोड जो है ये पॉजिटिव है यानी कि प्लस है और जो कैथोड है ये नेगेटिव है यानी कि माइनस। तो दोस्तों आइए देखते हैं इसका वर्किंग मेथड। तो दोस्तों जब ये मोबाइल ऑन होती है और ये ग्राफिक पूरा बन जाता है ग्राफिक वोल्टेज, तब जाके ये 1.8 वोल्ट जो सीएवीसी पीडब्ल्यूएम जो भी हो ये आउट होती है और फिर आउट होने के बाद यहाँ पर एलईडी आईसी जो है ये स्विचिंग करना स्टार्ट कर देता है और जिससे ये स्विचिंग करके डिस्प्ले के हिसाब से ये वोल्टेज प्रोड्यूस करता है। तो मैंने यहाँ पर 22 वोल्ट ही दिया है। तो दोस्तों ये 22 वोल्ट एनोड आउट होता है तो जिससे डिस्प्ले में लाइट आती है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए बीपीएच पावर ये डीसी टू डीसी आईसी से बनती है, ये बीक्यू भी हो सकता है या पीएमआई आईसी हो सकता है। तो दोस्तों ये बीपीएच बीबेट और बीबस इन सब चीजों की मैंने एक वीडियो बनाया है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो मेरे चैनल पर जाके देख लीजिए और मैंने इसका लिंक डिस्क्रिप्शन पे भी दे दूंगा ताकि आप देख सको और कमेंट सेक्शन पे भी दे दूंगा। तो दोस्तों देखिए ये कुछ इस तरीके का काम करता है। तो दोस्तों आप अच्छे से देख लेना कि कौन सी पिन क्या है। तो दोस्तों ये लाइट के लिए इस तरह की आईसी को यूज किया जाता है PM660L। तो ये लाइट आईसी भी होती है, ग्राफिक भी होती है और चार्जिंग भी होती है, यानी कि इस आईसी से ये सब वोल्टेज आउट होती है। तो दोस्तों ये PM660L का स्मेटिक डायग्राम है जो Realme 3 Pro में यूज होती है। तो देखिए दोस्तों इसमें दो कॉइल यूज किया जाता है स्विचिंग के लिए और इसका दो नेगेटिव यानी कि दो माइनस पॉइंट होती है जो कैथोड कहा जाता है एलईडी के लिए और एक पॉजिटिव पिन होती है। तो ये सारे आउट इस तरह से होता है। चलिए दोस्तों अब नेक्स्ट देखते हैं। दोस्तों MIPI I2C SDA SCL क्लॉक डाटा ये तो आपने देखा ही होगा स्कीमेटिक डायग्राम में। तो देखिए दोस्तों MIPI का फुल फॉर्म होता है मोबाइल इंडस्ट्री प्रोसेसर इंटरफेस, I2C का फुल फॉर्म है इंटर इंटीग्रेटेड सर्किट, SDA का फुल फॉर्म सीरियल डाटा, SCL का फुल फॉर्म सीरियल क्लॉक, CL का फुल फॉर्म क्लॉक और डाटा का फुल फॉर्म डाटा ही है। तो दोस्तों ये जो सारे वर्ड है ये एक कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल है यानी कि सीपीयू दूसरे आईसी से बात करने की एक लैंग्वेज है। दोस्तों ये कैसे काम करता है तो देखिए ये एक सीपीयू है यानी कि मास्टर है। तो मास्टर क्या है कि फ्लैश आईसी से बात करता है, पीएमआई आईसी से बात करता है, पीएम से बात करता है, डब्ल्यूटीआर से भी बात करता है। तो दोस्तों बात करने के लिए इसको एक कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल लैंग्वेज चाहिए तो इनको कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल कहा जाता है। तो दोस्तों ये कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल जो है ये बहुत सारी प्रोटोकॉल है, RxTx भी एक प्रोटोकॉल है, USB D+ D- यानी कि DPDM ये भी एक प्रोटोकॉल है। तो दोस्तों ये प्रोटोकॉल की जो चैप्टर है इनको आप पढ़ के समझना होगा, अगर मैं इनको बताने जाऊंगा तो ये वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा। तो मैंने इसलिए जो आजकल मोबाइल में यूज हो रहा है बहुत ज्यादा उनको कवर किया है इस वीडियो में। तो दोस्तों आइए देखते हैं ये मास्टर यानी कि ये सीपीयू किस लैंग्वेज से दूसरी आईसी से बात करता है और ये कैसे बात करता है और ये SCL और SDA का और क्लॉक का काम क्या होता है मोबाइल में और ये कहाँ पर यूज किया जाता है आइए देखते हैं। तो दोस्तों जो मैंने बताया कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल एक लैंग्वेज है, जैसे कि मान लो हम इंसान कम्युनिकेशन करते हैं, हमारी लैंग्वेज होती है हिंदी इंग्लिश बंगाली मराठी पंजाबी गुजराती, तो हम इन लैंग्वेज को यूज करते हैं और भी ज्यादा लैंग्वेज होता है, हम एक दूसरे से बात करने के लिए इन सारे लैंग्वेज को यूज करते हैं। तो दोस्तों इनमें से हिंदी बहुत ज्यादा बोली जाने वाली लैंग्वेज है जिसको सब लोग जानते हैं और सब लोगों से बात किया जाता है। तो आइए दोस्तों ये कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल कहाँ पर यूज होता है देखते हैं। देखिए दोस्तों MIPI जो है ये MIPI अक्सर डिस्प्ले और कैमरा में यूज होता है और SDA जो है दोस्तों SDO सेंसर्स टच स्क्रीन कैमरास आईसी इनमें यूज होती है
भी है और SCL सेम उसी तरह कैमरा टच स्क्रीन आईसी सेंसर इसमें यूज होता है और क्लॉक और डाटा ये भी कैमरा डिस्प्ले आईसी सिम SDA कार्ड इनमें यूज होती है। तो आइए दोस्तों हम देखते हैं इनका वर्किंग मेथड। तो दोस्तों सबसे पहले हम देखते हैं MIPI का। तो दोस्तों देखिए MIPI डिस्प्ले में DSIO LAN 2P इस तरह से ये लिखा हुआ रहता है और ये एक कपलर के थ्रू डिस्प्ले में इसका सिग्नल जाता है। तो दोस्तों क्या होता है कि कभी कभार हम डिस्प्ले में ये कपलर जो है खराब हो जाता है तो हम जम्पर कर देते हैं जिससे हमारे मोबाइल सही हो जाता है, यानी कि मोबाइल की ग्राफिक सही हो जाता है। दोस्तों ये लाइन मिसिंग हो जाने से ग्राफिक भी नहीं आता है। MIPI का जो कपलर जो मैंने बताया है ये कपलर कुछ इस तरीके का एक साथ जुड़ा हुआ रहता है, दो एक साथ इस तरह से ये MIPI की लाइन जुड़ा हुआ रहता है। और दोस्तों MIPI अगर मिसिंग हो जाए या ये कपलर खराब हो जाए उखड़ जाए तो डिस्प्ले में यानी कि मोबाइल में ये ब्लू स्क्रीन व्हाइट स्क्रीन और ये झिरझिरापन जो ओल्ड टीवी में आता है झिरझिरापन सिग्नल जाने से सेम उसी तरह ही ये प्रॉब्लम आता है। तो अगर आप MIPI को चेक करके देखेंगे तो ये MIPI खराब होता है, तो आप अगर इसको शॉर्ट करके जोड़ देंगे तो ये डिस्प्ले सही हो जाएगा। तो दोस्तों आइए अब हम देखते हैं I2C प्रोटोकॉल। तो दोस्तों I2C एक वर्ड है जिसको समझ लो इस तरह की एक लैंग्वेज है जिसका अंदर दो लाइन है SDA SCL। तो इसका हम एक्सप्लेन करेंगे SDA और SCL और क्लॉक और डाटा। देखिए दोस्तों SS जो है ये सीरियल है, तो सीरियल का मतलब ये समझ लो कि हम बोलते हैं कि आप सीरियल में खड़े हो, सीरियल में चलो, सीरियल में उठो, सीरियल में बैठो, सीरियल में जाओ। तो ये सीरियल जो है ये सीरियल है, एक सीरियल लाइन है। तो डाटा और क्लॉक एक सीरियल है, तो ये कैसे काम करता है मोबाइल में आइए देखते हैं। देखो इसमें एक CPU है और CPU से I2C SDA आउट हो रहा है और I2C SCL आउट हो रहा है। तो I2C SDA जो है ये पूरी एक लंबा लाइन खींचा हुआ है और I2C SCL भी एक लंबा लाइन खींची हुई है। तो ये दो लाइनों से PMI IC के लिए एक पॉइंट लिया जा रहा है और PM में भी मतलब कि जितना सारा IC होगा ये दो लाइन से कंट्रोल होने वाले, तो इन ICO को इन दो लाइन से इनपुट लिया जाएगा। तो दोस्तों अब आपको ये कंफ्यूजन आ रहा होगा, अगर CPU एक IC को सिग्नल देगा कि तुम अब काम करो, जैसे कि PM IC को बोलेगा कि तुम अब काम करो, तो इसके लिए एक सिग्नल देगा, तो क्या होगा कि ये सिग्नल जो है ये सिग्नल सारे IC से जुड़ा हुआ है जिससे कारण ये सारे IC में जाएगा और सारे IC काम करने लग जाएगी। तो दोस्तों ये ऐसे काम नहीं करता है, इसका एक अलग लैंग्वेज होती है, ये लैंग्वेज बाइट बोलती है जिसको बिट भी कहा जाता है, तो ये बिट लैंग्वेज पे काम करती है। तो दोस्तों ये बिट लैंग्वेज क्या है और ये क्या होता है, किससे काम करता है, ये आप गूगल करके समझ लो क्योंकि ये बहुत बड़ा एक कॉन्सेप्ट है। तो दोस्तों हो सके मैं फ्यूचर में ये कॉन्सेप्ट को कवर करूंगा और इससे एक डिटेल्स में वीडियो बनाऊंगा। ये जो बाइट सिग्नल है ये कैसे काम करता है आइए मैं सिंपल भाषाओं में, ये आसान भाषाओं में समझाता हूँ। तो देखिए दोस्तों कि हमने एक चार लोगों को लिया है, चार लोगों को मैं बोल दिया कि आप PM ICO PMI ICO Lite ICO WTR ICO, मैं इसको नाम दिया है और उनको बोला है कि मैं CPU हूँ यानी कि मैं मास्टर हूँ, आपको चलाने के लिए मैं ही कमांड दूंगा। तो कमांड दूंगा तो कमांड की एक लैंग्वेज होगा, तो ये लैंग्वेज मैं आपको समझा देता हूँ कि आपका लैंग्वेज है, आपका कोड है A। जब मैं A बोलूंगा तो आप ही रिस्पॉन्स करना और आप रिस्पॉन्स करके अपना काम करके जो मैं आपको काम दे रहा हूँ वो काम करके आप फिर से एक रिस्पॉन्स देना कि मैं काम कर लिया, इसलिए आप डबल A बोलना, तब मुझे पता चलेगा, एक में CPU को पता चलेगा कि आपने काम किया है। तो दोस्तों उसी तरह बाकी तीनों को इस तरह से उनका नाम BCD इस तरह से रखा है। तो क्या है दोस्तों, जब CPU यानी कि जब मैं A बोलूंगा तो A बोलने के बाद मैं A के थ्रू एक काम दूंगा, तो A के थ्रू मेरा काम ये होगा हाथ उठाना या हाथ हिलाना, तो इससे जो जिस बंदे का कोड A होगा वही बंदा रिस्पॉन्स करेगा और काम करके यानी कि अपना हाथ उठा के वो फिर से रिस्पॉन्स से अपना कोड बताएगा डबल है, तब मुझे पता चल जाएगा कि ये बंदा काम किया है अपना। तो दोस्तों इसमें ये है कि बाकी सब बंदा तो सुन रहा है, सबके कान है सुन रहा है, तो सुनने के बाद क्या होगा कि जिसका कोड है वही काम करेगा, वही रिस्पॉन्स करेगा और बाकी बंदा चुप रहेगा। जब मैं बी बोलूंगा तो ये चुप रहेगा और बी काम करेगा, डी भी चुप रहेगा, सी भी चुप रहेगा। तो दोस्तों इस तरह से एक CPU यानी कि मास्टर एक कमांड देता है और जिस IC का जो कोड है जो CPU भेजता है और जो कोड मिलता है वो IC इसको रिसीव करता है और बाकी IC में भी सेम सिग्नल जाता है लेकिन वो IC उसको रिसीव नहीं करता है क्योंकि उनका ये कोड नहीं होता है। तो इसीलिए जो जिस IC का कोड है वो IC इसको रिसीव करता है और रिसीव करके अपना काम करता है और काम करने के बाद फिर से एक सिग्नल देता है CPU को कि मैं काम कर लिया है। CPU फिर समझता है कि हाँ ये IC काम
किया है। तो दोस्तों सेम उसी तरह ये काम करता है। और दोस्तों बीच में आप देख रहे होंगे दो रजिस्टर 2.2 के का दो रजिस्टर लगाया गया है और दोनों की एक साइड सीरीज में लगा के एक बीएच वोल्टेज 1.8 वोल्ट दिया जा रहा है और दोनों की दो साइड एक एसडीए में लगाया और एक एससीएल में लगाया। तो इन दोनों की लगाने का कारण क्या है? और तो दोस्तों इन दोनों को पुल अप रजिस्टर भी कहा जाता है। तो ये पुल अप रजिस्टर क्या है, आइए मैं आपको आसान भाषाओं में समझाता हूँ। तो मान लो कि हमने एक साइकिल लिया है और हम दो आदमी है, एक आदमी साइकिल चला रहा है और एक आदमी उसको ठेल रहा है। तो एक आदमी उसको ठेलते ठेलते उसको छोड़ दे रहा है बीच में। तो क्या है कि ये ठेल रहा है तो ठेल के छोड़ दे रहा है, तो ये कुछ देर जाएगा। कुछ देर जाने के बाद जो दूसरा आदमी जिस साइकिल पर बैठा है वो आदमी क्या है कि वो पेटल, जो पेटल होता है ना स्पीड बढ़ाने के लिए, उस पेटल को नहीं मारेगा, वो छुएगा भी नहीं। तो क्या होगा कि ये साइकिल आगे तो जाएगा लेकिन जो धक्का लगाया है उसका फोर्स होता है, वो फोर्स जब खत्म हो जाएगा साइकिल की पाइये में तब क्या होगा, ये साइकिल रुक जाएगा। तो इससे क्या होगा कि ये जितना दूर इसका डिस्टेंस जाना था, जितना दूर उतना दूर ये नहीं जा पाए जाएगा। तो ये धीरे धीरे इसका स्पीड स्लो होते होते जाएगा, तो इससे बहुत टाइम लगेगा। तो सेम उसी तरह सीपीयू के सिग्नल काम करता है। तो दोस्तों अगर उस बंदे ने उसको बोला है कि जब आप देख रहे हो कि जितना दूर आपको जाना चाहिए उतना दूर नहीं जा रहा है, तो आप इसको पेटिल लगा के इसका स्पीड मेंटेन करके जाना, मेंटेन करके स्पीड उसी टाइम पे ये चला जाएगा। तो ये जो पेटिल है, ये रजिस्टर समझ लो, यहाँ पर ये रजिस्टर है और जो आदमी इसको पेटिल चला रहा है वो बीएच 1.8 वोल्ट है। दोस्तों सेम उसी तरह ये पुल अप रजिस्टर काम करता है, जिससे जो सीपीयू जो सिग्नल देता है वो सिग्नल क्विक ना हो और ये जल्दी से अपने डेस्टिनेशन यानी अपने जिस आईसी के लिए भेजा है सीपीयू, उस आईसी पर जल्दी से चला जाए। इसीलिए ये पुल अप रजिस्टर लगा के इस सिग्नल को स्ट्रॉन्ग करके रखता है। तो दोस्तों शायद आपने ये समझ लिया होगा। दोस्तों आइए आप देखते हैं क्लॉक और डाटा। तो क्या है ना कि दोस्तों क्लॉक और डाटा जो है, ये क्लॉक और डाटा सेपरेट होता है। अगर हम पीएम आईसी को कंट्रोल करेंगे तो सीपीयू से इसके लिए दो लाइन आउट करना होगा क्लॉक और डाटा, और सेम दूसरा आईसी को और कंट्रोल करेंगे तो दूसरा आईसी के लिए सेम दो लाइन आउट करना होगा क्लॉक और डाटा। इससे क्या होगा कि सर्किट बड़ी होगी और सर्किट में ज्यादा लाइन खींचना पड़ेगा। तो दोस्तों क्या है कि इससे जो कम्युनिकेशन है वो कम्युनिकेशन बहुत स्लोली होगा। तो इसीलिए एससीएल और एसडीए यूज किया जाता है, यानी कि आईटूसी लाइन को यूज किया जाता है। और ये क्लॉक और डाटा अभी भी फोनों में यूज किया जा रहा है और नेक्स्ट जो फोन आएगा, जो लेटेस्ट फोन आ रहा है 5G, उसमें हो सके कि दूसरा एक प्रोटोकॉल यूज किया जाने लगे और दूसरा एक प्रोटोकॉल इन्वेंशन हो जाए और उसको भी यूज किया जाने लगे, तो हो सकता है ये होगा ही। तो दोस्तों सेम उसी तरह ही ये सीएलके और डाटा का ही कॉन्सेप्ट है। और दोस्तों ये जो आईटूसी है और ये जो क्लॉक डाटा के सिग्नल है, तो ये कुछ इस तरीके का सिग्नल जनरेट होता है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए बाय।